रही हूँ। आज बना रहे हैं श्रेया के पप्पा खाना। और ये कुकर हिलाते हुए इसमें तेल कितना डाला हुआ है। तेल डाले हैं और इसके बाद हम लाइव दिखाएंगे कि क्या बना रहे हैं बिना धुले डाले सब्जी। मिर्ची लहसुन ना तो ये इन्होंने लहसुन और कांदा दोनों एक साथ डाला है और मिर्ची तो अकेले ही पहले डाल दिया था। तो देखिए ये आज कैसे बना रहे हैं खाना। इनका आइडिया मुझे भी नहीं आता है और आता भी है तो मेरे घर वालों को पसंद भी नहीं आता है कि ये कैसे बनाती है। तो इनके हाथ का सबको पसंद आता है। और उसके बाद तुरंत इन्होंने टमाटर भी डाल दिया है। देखिए बिल्कुल भी कांदा को भुना नहीं है और डाल दिया है। ये सारी चीज़ें डाल करके अब तुरंत इसमें नमक डाल रहे हैं। ये देखिए अब ये नमक डाल के इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद तुरंत इसमें सब्जी डाल देंगे। इनका बनाने का तरीका ही अलग रहता है, हम इनके जैसे बना भी नहीं पाते हैं। और ये बिल्कुल भी भूनते नहीं हैं कुछ भी। ये देखिए इसमें डाल करके सब मिक्स कर दिए एक ही साथ। और ना तो ये सीटी से पकाएंगे, ऐसे ही बस पका लेंगे। देखना 5 मिनट भी नहीं लगता इसको, अरे सॉरी इनको खाना बनाने में। ये देखिए अब ये डाल दिया इन्होंने, तुरंत इसमें इन्होंने मसाला डाल दिया। ये यहाँ पे ये 2 पैकेट का मसाला डाल रहे हैं। इतना मसाला तो मैं भी नहीं डालती हूँ पर ये बहुत मसाला डालते हैं। और यहाँ पे एक पैकेट खोल के डाल चुके हैं, ये दूसरी पैकेट भी डाल रहे हैं। और इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे नहीं तो वो भी नहीं डालेंगे। वैसे भी ये मसाले में सारी चीज़ें रहती हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए चाकू से हल्दी डाल रहे हैं ये बस इतना सा इन्होंने हल्दी डाला। और ये इनका मसाला देखिए भुन चुका है। बस मिक्स करते करते इनका मसाला भुनता है, पानी भी नहीं डाले हैं। और ये टमाटर का जो पानी छोड़ता है उसी में ही ये भुन रहे हैं। तो ये इनका हो चुका है। अब इसमें तुरंत इन्होंने पानी भी डाल दिया है। अब इसको पकाएंगे। तो इनकी खिचड़ी बनाने का तरीका ही अलग है। अब ऐसे ही इसको पहले सब्जी को 5 मिनट तक पका लेंगे। तो इसको हम दिखाते हैं पकाने के बाद। अभी नहीं पका रहे हैं इसको, ये इन पानी इनको कम लग रहा है तो इसमें ये और पानी थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं, फिर इसके बाद इसको ये पकाएंगे। तो मैंने इनकी आवाज़ हटा दी है क्योंकि ये कुछ भी बोल रहे थे इसमें। तो ये देखिए हो गया। अब इसमें पानी इन्होंने बढ़ा करके इसको 5 मिनट ये पका रहे हैं और तब तक वो चावल धुलने गए हैं। तो देखिए ये चावल धुल रहे हैं, आज सब काम वही कर रहे हैं। मेरी है छुट्टी तो मैंने सोचा मैं वीडियो ही बना लेती हूँ इनका भी। ये देखिए ऐसे ये चावल धुल रहे हैं, ये छान लेंगे तो फिर से एक बार और धुलेंगे वो। और साथ में मुझे भी बोल रहे हैं कि ड्यूटी भी करो खाना भी बनाओ, दोनों काम एक ही साथ करना पड़ रहा है उनको। तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, मैं बाहर गई थी इसके लिए। तो साथ में हम दोनों बनाने लगे सब्जी वगैरह, मैंने भी साथ में काटा इनके और ये भी दोनों ने साथ में किया, पर पका रहे हैं यही। तो चलिए ये तब तक चावल धुल रहे हैं। और इनकी बेटी को है खांसी आ रही तो ये क्या बोल रहे हैं, इसी में से जूस निकाल करके उसको पीने को दे रहे हैं कि इससे खांसी बंद होती है। ये इनका अलग ही इलाज है। तो देखिए ये निकाल रहे हैं जूस को, थोड़ा सा पका लिए हैं और पका के ये बड़ी वाली को देने वाले हैं और बोल रहे हैं इसको पी ले तेरी खांसी बंद हो जाएगी गरम गरम। तो उन्होंने दिया और ये चावल भी इसमें डाल रहे हैं और इसको पकाएंगे डाल करके। तो ये सच में ही इनका ये टेक्निक काम आया कि सब्जी का जूस उन्होंने पिलाया तो उसकी खांसी थोड़ी सी कम तो हुई है, पर एक दो बार और पीती तो शायद ठीक भी हो जाती, पर उसने एक ही बार पिया है और कम हो गया है। और गरम गरम ही इन्होंने पिलाया उसको। अब ये देखिए अपने भी चख रहे हैं इसमें का नमक कैसा है।
हम चखेंगे तो बोलते हैं जूठा हो गया, और ये चखते हैं तो इन लोग का अच्छा रहता है। तो अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए इनकी खिचड़ी हो गई है तैयार, और मैं बनाती हूँ तो इसमें का चावल गल जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है सब्जी वगैरह का। और ये बनाते हैं तो देखिए एक नंबर की खिचड़ी बनती है। अब ये छोड़ के भाग गए, बोलते चलो लेकर के आओ। तो अब हम खाने जा रहे हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।